हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि 12/8/2024 को आप सभी का एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा, तो झारखंड हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही आप लोग जाएंगे, आप लोगों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक दे दिया गया है। वहां से आप लोग अपना अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए पहले फटाफट से मैं आप लोगों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करके बता देता हूँ कि कैसे करना है, उसके बाद करते हैं आगे की बात। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को झारखंड हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। उसके बाद जाना है आप लोगों को रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पे। जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे, आप लोग के सामने ये लिंक फॉर डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड का ऑप्शन दे देगा। इस पे आप लोग क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा लॉगिन करने के लिए। जैसे ही आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों से एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा बोलेगा डालने को। तो फटाफट से चलिए डाल के मैं दिखाता हूँ, और उसके बाद आप लोगों को भी ऐसे ही करना है। यहाँ पे कैप्चा देखेंगे हम लोग, कैप्चा फिल करेंगे 9 कैपिटल वी कैपिटल ई और 4। इसी तरह आपको भी कैप्चा दिया होगा। जैसे ही आप करेंगे तो ये आप लोग के सामने एडमिट कार्ड आ जाएगा, क्लिक हियर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड। और जैसे ही आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे तो इसी तरह से आपका भी एडमिट कार्ड खुल के आ जाएगा। अब मैं आप लोगों को बताऊं एग्जाम डेट और वेन्यू की, तो ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में ही फिर से अपना सेंटर गया है। और बात करूं एग्जाम की डेट की, स्किल टेस्ट की, तो 2/9/2024 को इवनिंग वाली बैच में, बैच नंबर 4 में मेरा पड़ा है। आप लोग भी अपना अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपका स्किल टेस्ट कौन सी डेट को पड़ा है। तो दोस्तों, अभी मैंने आप लोगों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करना सिखाया और डाउनलोड करके भी दिखाया कि कैसे करना है। इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, 22 तारीख से लेकर के 3 तारीख के बीच में पेपर होना था, और आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जिन भी बच्चों का पेपर जल्दी हो जाता है, यानी कि 22 तारीख से लेकर के 1 तारीख तक के बीच में जिन भी बच्चों का पेपर होगा, वो सभी आकर के अपना अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि उनका पेपर कैसा गया, हिंदी टाइपिंग कैसी आई थी, इंग्लिश टाइपिंग कैसी आई थी, आप लोगों को टाइप करने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही थी, अगर दिक्कत आ रही थी तो कहाँ पे दिक्कत आ रही थी, जिससे और भी जो स्टूडेंट्स का पेपर है उनको समझने में आसानी हो सके कि कैसा पेपर आया था। अगर किसी की इंग्लिश टाइपिंग खराब जाती है या हिंदी टाइपिंग खराब जाती है या दोनों अच्छी जाती हैं, या जो भी आपका एक्सपीरियंस रहता है, अच्छा हो या बुरा हो, आप लोगों को प्लीज उसको शेयर करना है। तो सभी स्टूडेंट्स को एक बार फिर से ऑल द बेस्ट, और सभी लोग अच्छे से पेपर दीजिएगा और बताइएगा जरूर कि पेपर कैसा गया। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड।